सारे दोस्तों, कुक पिदरादा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाले वाली भिंडी, जो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। ये भिंडी आप जो देख रहे हैं, ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। इसको आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। आप इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली हुई है। ये अब इसमें पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके लिए इसमें धोने सफाई का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाजार की भिंडी रहती है, पता नहीं कैसे सब्ज़ी वाले रखते हैं। अब इसको दो तीन पानी से आपको ऐसे करके धोना है, आपके लिए ये अच्छे से धोना है आपको। इस तरीके से रख लेंगे, फिर ये पानी आपके लिए फेंक देना है, फिर दोबारा धोना है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे राउंड अराउंड तीन बार आपके लिए भिंडी को धोना है साफ करके। ये भिंडी आप देख रहे हैं, मैंने तीन बार इसको धो ली है अच्छे से, इसमें गंदगी नहीं रहेगी और बिल्कुल साफ कर ली है। अब इसके लिए आपको काट कर दिखा रही हूँ, ऐसे करके काटनी है आपको। आगे का ये हिस्सा काटना है, पीछे का ये हिस्सा काटना है। आप अपने मन मुताबिक चाहें आप तो गोल काट सकते हैं, या मैंने लंबी काटी है ताकि इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े ना हो। तो लंबी काटने से ये फायदा रहता है कि इसमें सब देख सकते हैं कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो कीड़े होते हैं भिंडी में तो ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से आपको इसके तीन पीस कर लेने हैं। मैंने इसको लंबे आकार में काटा है, इस तरीके से आपको काटना है। सारी भिंडी ऐसे करके काटनी है, ये आप देख रहे हैं मैं ऐसे इस तरीके से काट रही हूँ भिंडी। इसी तरीके से सारी भिंडी मैं अभी काट लूँगी। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने भिंडी काट के रख ली है। अब ये अब मैं कढ़ाई गैस ऑन करूँगी। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक चुटकी जीरा डालेंगे, इस तरीके से हाफ टी स्पून नमक। अब इसमें जो भिंडी मैंने काटी थी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको चलाएंगे इस तरीके से, गैस को धीमा कर देना है। गैस को लो फ्लेम पे कर देना है और इसको ढक देना है। तीन मिनट के लिए इसको इस तरीके से प्लेट से ढक देना है आपके लिए ही नहीं, बस तीन मिनट बस। अब देखिए तीन मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं, अब गैस को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था। अब इसको अच्छे सावधानी से आप प्लेट खोलेंगे ताकि आप जले नहीं। आप देख रहे हैं कि ये भिंडी जली भी नहीं है, इस तरीके से होगा ये। अब इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे मसाले। चलिए मैं बनाती हूँ मसाले वाली भिंडी। वो ज़्यादा बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस वही कढ़ाई में आपको चार टीस्पून ऑयल डालना है। चार टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हमने प्याज काट के रख लिया था, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से महीन महीन प्याज काटा है। ऑनियन अब इसमें ऐड कर देंगे, ऑलरेडी गर्म हो चुका है। भूनेंगे, गुलाबी गुलाबी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि प्याज जल्दी भुन जाए। आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट होने वाला है। अब इसमें दो हरी मिर्च कट कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बड़ी गोलाकार में काटी है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है शॉर्ट। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट ले सकते हैं छोटा। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब इसमें जो भुनी भिंडी फ्राई की हुई थी अब इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारी भिंडी ऐड कर देनी है। इसमें आपको आधा कप पानी ऐड करना है ताकि आपकी भिंडी जले नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगी बनने के लिए। अब इसको 5 मिनट तक ढक के रख देंगे। मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। गैस को लो फ्लेम पे कर देना है ताकि आपकी भिंडी जले नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसके लिए खोल के देखना है। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था, अब आप देख सकते हैं जली भी नहीं है भिंडी। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब देखो मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है, अब भिंडी को अच्छे से ताकि इसका जो पानी डाला था तो ये सूख जाए। अब आप देख सकते हैं मसाले वाली भिंडी कितनी बढ़िया तैयार हुई है, जली भी नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल जली भी नहीं है ये। इसको 5 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे। हमने भिंडी को भूना है, अब ये भिंडी भून चुकी है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। हमारी मसाले वाली भिंडी रेडी हो चुकी है, चलिए अब इसको सर्व करते हैं।
अब आप देख सकते हैं भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने सर्व कर ली है। आप चाहें तो रोटी से, पराठे से, पूरी से, नाश्ते में या खाने में ले सकते हैं। को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम नई नई रेसिपी आपके लिए लेके आया करें। बाय बाय, राधे राधे।